बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए, दिल खुश चिकन बिरयानी बनके तैयार है और ये बहुत मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हुई है, आप ज़रूर ट्राई करें। दिल खुश चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, जो कि हमने अच्छी तरीके से धो के इसको रख लिया है। यहाँ पे हमने आधा किलो बासमती चावल लिया है, इसको हमने 10 मिनट पहले भिगा के रख दिया था। आप सेला चावल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जो कि हमने इसे गोल गोल स्लाइस कट में काट लिया है। यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको भी हमने स्लाइस कट में कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 10 बादाम, 10 काजू, जो कि हमने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा दूध डाल के। यहाँ पे हमने 2 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। यहाँ पे 4-5 हरी मिर्च है, जो कि हमने बीज से कट कर लिया है। 1 कटोरी हमने दही लिया है। यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं, जो कि 2 तेज पत्ता है, 8 लौंग है, 1 बादियान का फूल है, 4 हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 8 से 10 काली मिर्चे हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है और 1 चुटकी हमने यहाँ पे जावित्री और जायफल का पाउडर लिया है, दोनों 1-1 चुटकी है। यहाँ पे हमने रिफाइंड लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। देखिए, सबसे पहले हम चिकन में 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो जाए फिर हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देखिए, कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करके 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये रिफाइंड गरम हो गया है, अब हम इसमें ये चिकन अपना ऐड कर लेते हैं। सारे चिकन को ऐड कर लेंगे और इसे मिला देंगे और इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट हो गए और ये चिकन भी दोनों तरफ से हल्का रोस्ट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से रोस्ट करना है हमें। देखिए, हमने सारा चिकन को निकाल लिया है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और उसी तेल में हम फिर ये अपना तेल ऐड कर देंगे और इसमें 2 तेज पत्ता, 1 बादियान का फूल, लौंग, हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चे, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और कुछ सेकेंड सौंठे करेंगे। देखिए, गरम मसाले हमारे सौंठे हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। देखिए, 1 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक को भूनते हुए। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे और ये टमाटर, और इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमने 500 ग्राम चिकन लिया था, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें ये जो हमने 2 चम्मच बिरयानी मसाला लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, हम ऊपर से डालेंगे बिरयानी में, इसको भी मिक्स कर लेंगे।
खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें ये जो हमने दही लिया था ये भी इसी में ऐड कर देते हैं। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लें। अब इसे हम 2 से 3 मिनट ढककर पका लेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस चिकन का नाम है दिलखुश चिकन। आज हम दिलखुश चिकन बिरयानी बना रहे हैं। अब हम इसमें ये जो जायफल जावित्री का पाउडर लिया था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चें, और यहाँ पे जो हमने काजू बादाम का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन ये बिरयानी बनके तैयार होता है, आप जरूर बनाएं। जैसे इसका नाम है दिलखुश चिकन बिरयानी, ऐसे ही इसको खा के भी दिल खुश हो जाता है, आप जरूर बनाएं। ये देखिए देखने में ये कितना बेहतरीन लग रहा है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे ढक कर रख देते हैं। अब दूसरी तरफ हम चावल उबाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पानी लिया है, पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि ये पानी फिर निकल जाएगा। यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया है 3 हरी मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच नमक। अब हम इसे 1 उबाल आने तक ढक देते हैं। इसमें 1 उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें अपना चावल ऐड करेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये जो हमने 500 ग्राम चावल लिया था वो ऐड कर देंगे। और इसे बस 1 कन्नी उबालना है, जैसे हम जर्दे का चावल उबालते हैं ना, इसी तरीके से ये चावल को उबालना है। ज़्यादा नहीं पकाना है वरना हमारा बिरयानी गीला हो जाएगा। और ये ज़्यादा पकाने से, कच्चे चावल हैं तो टूट जाता है ज़्यादा पकाने से। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 उबाल आ जाए बस इसे ढक देते हैं। देखिए 1 मिनट हो गया है। अब ये हमारा चिकन दिलखुश बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हमें चाहिए, बिल्कुल सही है ये। अब हम इसे बंद कर देंगे चूल्हे को, ऐसे ढक देते हैं। ये देखें चावल 1 कन्नी पक गया है। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए हमने चावल छान लिया है और ये देखिए 1 कन्नी ही उबला हुआ है चावल। आप भी इसी तरीके से उबालें। अब हम एक पतीला लेंगे, पतीले में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देंगे। गैस को ऑन कर देते हैं, मक्खन को मेल्ट होने देंगे। देखिए मक्खन मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ये अपना चिकन सब तरफ फैला के इसमें डाल देंगे, ये देखें, और चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें ये अपना चावल का लेयर, 1 लेयर इसमें लगा लेंगे। देखिए हमने चावल का 1 लेयर लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज, हमने जो ब्राउन किया था वो निकाल लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा
बिरयानी मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा फूड कलर। अब फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। सारे अच्छी तरीके से मिला लेंगे सब तरफ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। अब हम फिर जो चावल बचा है वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। चावल का लेयर लगा लिया है। अब हम फिर इसमें ये ब्राउन प्याज और हरा धनिया और ये थोड़ा सा और बिरयानी का मसाला और फूड कलर। फूड कलर में हमने एक चम्मच केवड़ा वाटर मिलाया था, आप पानी में भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें ये जो हमने एक चम्मच मक्खन और लिया है ये भी इसमें मिला लेंगे। अब इसे हम ढक के देते हैं और मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन हमारी बिरयानी बनके तैयार हुआ है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रही है। अब हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन बिरयानी हमारे बनके तैयार हुए हैं। चावल भी खिले खिले चावल हैं। ये देखिए बिरयानी बनके हमारी तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।